हेलो गाइस, ये डोरमेट हम बोरी से बनाएंगे, जो बीज वाली बोरी आती है, और इसको 3-3 इंच चौड़ा इसकी पट्टी काट लेंगे हम पूरी बोरी की। देख सकते हो आप लोग, 3 इंच की पट्टी काट लेंगे और ये डबल है। इस तरह से पूरी बोरी को काट लें, ये डबल है, इसके बीच से भी काट लेंगे हम। 3-3 इंच की पट्टी होनी चाहिए। इसी तरह पूरी बोरी को हम काट लेंगे और एक दूसरे में इस तरह से हम जोड़ लेंगे। देख सकते हैं आप लोग, इस धागे से जोड़ लें और बोरी को ध्यान दें कि हम उल्टा ही जोड़ना चाहिए, बोरी सीधी बोरी ना जोड़ें। इस तरह से हम पूरी बोरी को जोड़ लेंगे और इस डोरमेट में एक बोरी में नहीं होगा, दूसरे बोरी में से आधा लगेगा। दो बोरी नहीं लगेगा, लेकिन एक बोरी में नहीं हो पाएगा, दूसरे वाले में से आधा बोरी लग जाएगा। अगर आप बड़ा बनाना चाहें तो 2 बोरी लग सकता है। इस तरह से हम जोड़ लेंगे और आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। और इस तरह से मोड़ के और हम सी लेंगे इस तरह से, उसी धागे से हम सी लेंगे जो धागा हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, और सुई से इस तरह से हम सी लेंगे। दोनों तरफ से मोड़ के सिलने से इसमें से रेशा नहीं निकलता, इसीलिए इस तरह से सिला जाता है। वीडियो को बिना स्किप किए देखें। इस तरह से जो पूरा पट्टी है उसको हम सिलेंगे। देख सकते हैं आप लोग, इतना पट्टी हम सिल लिए हैं, पूरा पट्टी। अब एक तरफ से करके और इसको इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से बनाने के बाद उसी धागे से सिलेंगे हम। इसी तरह हम सिलेंगे इसको और उल्टे साइड से इसको सिला जाता है। इस तरह से इसको 10 लाइन सिल लें। देख सकते हैं आप लोग, 10 लाइन सील लिए हैं हम इसको इस तरह से। इस तरह से सिलने के बाद हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद फिर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से सील लें, फिर इसी तरह हम बनाएंगे। इसी तरह ये पूरा लाइन बनाना है। आप लोगों को जहाँ समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरा लाइन बनाए, देखिए आप लोग, एक लाइन हम बना दिए हैं। ऐसा आप बनाए कि बीच में जगह ना बचे, इस तरह से बनाए। देखिए आप लोग, अब इसको ऊपर सुई धागे को लाते हुए तरह से बनाएंगे।
तरह से पकड़ के उसमें और हम सिलते जाएंगे। इस तरह से दो लाइन सिलना है, देखिए आप लोग दो लाइन हम सिले हैं इसको, देखिए आप लोग जिस तरह पहली लाइन में हम बनाए हैं उसी तरह इस लाइन में भी बनेगा, लेकिन इस लाइन में बड़ा बड़ा बनेगा, पहली लाइन से थोड़ा बड़ा बनेगा। इस तरह से सिल लेंगे हम। देखिए आप लोग इस तरह से सिल लेंगे। इसी तरह हम फिर बनाएंगे पिछली लाइन की तरह। देखिए आप लोग इस तरह फिर से हम सिल लेंगे इसको। जिस तरह से हम बनाए हैं उसी तरह फिर से हम दो लाइन बनाएंगे। दो लाइन बनाने के बाद देख सकते हैं आप लोग दो लाइन बनाए हैं। इसके बाद फिर हम छोटा सा बनाएंगे, पहले एकदम छोटा सा बना के फिर सिल लेंगे। अब उससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। देखिए आप लोग इस तरह से फिर हम सिल लेंगे और फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से हम बनाएंगे। अब फिर जो बीच वाला है उसकी बराबरी में हम बनाएंगे। देखिए आप लोग इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए आप लोग ये फर्स्ट वाला है इसकी बराबरी में बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा डोरमेट बनाएंगे इसके चारों तरफ। देखिए आप लोग पूरा बनाने के बाद देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर लगता है यह डोरमेट। इसको बनाने के बाद बीच में थोड़ा सा भी जगह ना बचे, अब इसको हम काट लेंगे जो बच जा रहा है। काटने के बाद इसको मोड़ के सिल लेंगे हम। देखिए आप लोग इसकी बराबरी में करके और मोड़ के सिल लेंगे। अगर आप लोग को ये डोरमेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। ये दूसरे सुई धागा से हम सिल रहे हैं, इसको यहीं पे काट देंगे इस धागे को। अब इस सुई धागे से इस डोरमेट में हम इस तरह से सिल देंगे। यह बहुत मजबूत डोरमेट है, आप लोग बहुत ज़्यादा दिन यूज कर सकते हैं। आपको और बड़ा बनाना हो तो आप बना सकते हैं इसी तरह। देखिए आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब भी कर दो,